हम आपको पढ़ा कर रहे हैं केमिकल का, ये कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं। तो कार्बन कंपाउंड में बाबू आपको कल बाबू मॉडल के थ्रू CH4 का स्ट्रक्चर दिखाए थे, है ना। CH4 जो कार्बन होता है बाबू, मिथेन होता है ना जी, कार्बन में बाबू मिथेन आएगा, इथेन आएगा, प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, ये सब सारा आएगा, तो सबका स्ट्रक्चर रहेगा। तो जैसे CH4 है तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कार्बन होता है वो ऊपर हाइड्रोजन होता है, वो इधर हाइड्रोजन होता है, वो इधर हाइड्रोजन होता है, वो इधर हाइड्रोजन होता है। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर ऐसे क्यों होता है सर, ये बीच में डंटी क्या है, तो जो बीच में ये डंटा दिखाई दे रहा बाबू, ये जो डंटा इसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं ना। तो ये जो बॉन्ड है बाबू, इस पे आपको जब 11 में जाओगे तो एक चैप्टर है पूरा पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग करके, और हायर क्लासेस में जाओगे तो ये केमिकल बॉन्डिंग करके एक सब्जेक्टिव हो जाएगा, है ना, एक सब्जेक्टिव हो जाएगा ना। मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सब्जेक्ट का डीप नॉलेज आपको, है ना, स्टडी का डीप स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सब जो बहुत डंटा दिखाई दे रहा है इसको क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो वही अभी आपको समझा रहे थे कल, क्या होता है केमिकल बॉन्ड, है ना, वो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बताए थे ना। तो केमिकल बॉन्डिंग का ही टाइप का कल बताया था वो, है ना, वो दो टाइप का, एक आयनिक बॉन्ड और एक क्या होता है आपका भलू केमिकल बॉन्ड, बहुत सारे टाइप के होते हैं, 6-7 टाइप के होते हैं, लेकिन हमको कौन दो पढ़ना है आप लोग के बुक में, हमको एगो आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, वो कौन सा पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना, याद करते चलना, है ना। तो कल बताया था वो आयनिक बॉन्ड या वो उसी को क्या कहते हैं, या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहो, और दूसरा कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो कल आपको बताया था वो, है ना, वीडियो दिखाए थे कि कैसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। तो वही रिलेटेड है बाबू, कल हमारा डिफिनेशन आपको आयनिक बॉन्ड का लिखा दिए थे, है ना, लिखा दिए थे। नेक्स्ट बाबू, अब आयनिक बॉन्ड बाबू कैसे बनेगा, तो उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है, कुछ कुछ एलिमेंट का, है ना, कुछ कुछ एलिमेंट का क्या करना आपको, है ना, जो भी बाबू बॉन्ड बनेगा उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है ना, ठीक। और ये बाबू आपका क्या क्या, इसका स्क्रीनशॉट लिख के लेके भेज दिए, जो नहीं लिख पाए हो ग्रुप से लिख लेना। देखो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बाबू, कंप्लीट ट्रांसफर अगर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा, एक एलिमेंट अगर टोटल के माने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको क्या कहेंगे, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो अपना आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाबू अगर ट्रांसफर कर रहा तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड करेंगे कहेंगे, है ना, समझते चलना। जैसे कौन एग्जाम्पल हो गया, जैसे NaCl हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, MgCl2 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, MgS मैग्नीशियम सल्फाइड हो गया, और भी बहुत सारे, है ना। तो ये सबके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड। मतलब बाबू क्या करेगा, है ना, कोई भी आइटम है वो, जितने भी आइटम बाबू उसका आउटर मोस्ट शेल में क्या रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं रहेगा। तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए बाबू इलेक्ट्रॉन लेगा चाहे देगा, है ना, यही दो होगा, कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा चाहे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो वही जो इलेक्ट्रॉन लेने देने के प्रोसेस में क्या बनेगा, मान लो कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और वही प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उसी को क्या नाम दिया गया, आयनिक बॉन्ड नाम दिया गया, क्या दिया गया, आयनिक बॉन्ड नाम दिया गया, है ना, ठीक। नेक्स्ट होगा ना, तो इसी में बाबू इतना सारा एग्जाम्पल है, एगो दुगो बता देते हैं, बाकी आपको खुद करना, नहीं करोगे तो बाबू ढूंढ देंगे पकड़ के, बोर्ड का एग्जाम है, ठीक ठीक है। जैसे NaCl, तो NaCl में कैसे करोगे, तो Na का एटॉमिक नंबर आपको बताया था बाबू 11 होता है, और Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है ना। तो सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे लो बताए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे लो बताया था ना जी बाबू, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, है ना। तो जो पहला होता है किसी भी बाबू हमेशा ध्यान देना, जैसे NaCl, तो जो पहला मेटल, पहला जो होता है वो क्या होता है, मेटल होता है, पहला जो आइटम होता है एलिमेंट होगा मेटल होगा, दूसरा वाला क्या होगा, ये नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर में बताया था ना, बताया था, ठीक। नेक्स्ट, तो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल में कई वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे सोडियम के लिखेगा, 2, 8, 1, 11 होता है ना, तो 11 को पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है, क्लोरीन का 2, 8, 7 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 हुआ, तीसरा वाला में 1 हो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 7 गो। तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल सेल में यहाँ क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन है रहा। तो अब ये क्या चाहेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से खींचना चाहेगा या 1 इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा देना चाहेगा। जैसे 1 गो इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर देगा वो, तो आउटर सेल में क्या बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन क्यों करता है, एक के फंडा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट और हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट, है ना, ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के केस में, है ना, यही 2 गो पर्पस होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के 2, 8, 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल जाएगा, ठीक। तो क्या बचेगा, 2, 8 बचेगा, तो यही ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन दिया था पहले से, इसके में कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन था, पहले से इसमें कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही 1 दे देगा तो आउटर सेल में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बल्ले बल्ले हो गया, बस खत्म।
अब जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बाबू, तो जो जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा उस पर प्लस चार्ज आएगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा उस पर माइनस चार्ज आएगा, और यही प्लस माइनस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये जो प्लस माइनस है इसी के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दिया जाता है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड दिया जाता है ना, क्या दिया जाता है ना, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड नाम दिया जाता है, वही यहाँ लिखा हुआ है ना, इस है ना। तो जिस पे प्लस आएगा उसको कटायन कहेंगे, सोडियम कटायन हो गया, और जिस पे माइनस आएगा उसको एनायन कहेंगे, तो क्लोरीन एनायन हो गया। तैयार रहना धर्मवीर बाबू, ढूंढ देंगे आप। तो इसके बीच में यही बाबू माइनस है प्लस है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, यही मेरा क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, यही क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो इसी तरह से बाबू और भी सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, MgCl2 है, CaCl2 है, MgCs है, ये सब आपको यहाँ से एक पेज, इसीलिए बहु लिखा हुआ रिमेनिंग एग्जाम्पल वो जो है उसके लिए एक पेज छोड़ना, आपको क्या करना, एक पेज छोड़ के आगे लिखना है ना, इसको करना, चेक करेंगे, ठीक है ना, चेक करेंगे, कुछ नहीं करना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है ना, तो 2 8 8 2 करेगा, लास्ट वाला 2 को इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम का 12 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, तो एगो मैग्नीशियम एटम एगो क्लोरीन का देगा, और दूसरा है ना, एक इलेक्ट्रॉन एगो क्लोरीन को, और फिर मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो एगो क्या देगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा। मतलब क्या सर, जैसे MgCl2 का अगर ड्रा करना चाहोगे, वो ड्रा करना चाहोगे तो कुछ ऐसे कर सकते हो, कैसे समझा देते थोड़ा सा, उसी तरह से कैल्शियम वाला बनेगा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे ना, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ठीक, अगला कौन सा बॉन्ड है, वो कोवैलेंट बॉन्ड है। देखो MgCl2 को बताते हैं, आई जो भी एग्जाम्पल छोड़े हैं उसको बनाना है धर्मवीर बाबू, समझा, सो कल टाइम मिलता है तो आते हैं, अब आप लोग का बिकली होगा, टाइम मिलेगा तो आएंगे, नहीं मिलेगा तो देखेंगे, फिर पढ़ता नहीं, 5:30 बजे उठता है। नेक्स्ट बाबू, जैसे MgCl2 का कैसे बनाएगा जी, MgCl2 का कैसे बनाएगा बाबू, है ना, तो कुछ नहीं करना है, MgCl2 का कैसे बनाएगा, तो मैग्नीशियम का कितना होता है सर, 12 होता है, थर्ड नंबर, बाकी अपना बनाना है, थर्ड नंबर MgCl2 का मैग्नीशियम है सर, मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छो दो, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मैग्नीशियम का 12 होता है तो लास्ट में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, 2 8, ये मैग्नीशियम है बाबू है ना। तो मैग्नीशियम का कितना होता है सर, 12 होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है बाबू, तो 12 होगा तो कैसे लिखोगे, 2 8 2 लिखोगे, यही लिखोगे ना जी। ठीक, पोलस, क्लोरीन है, 2 गो क्लोरीन है, क्या है, 2 गो क्लोरीन है, तो एगो क्लोरीन ये हो गया आपका Cl है ना, क्लोरीन का आउटर सेल में कई इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, दो चार इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छो दो चार, छो दो आठ, और आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, 2 गो क्लोरीन एटम है, तो एगो ऊपर हो जाएगा, नीचे भी क्लोरीन दो। ठीक, नेक्स्ट, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ठीक, नेक्स्ट बाबू, कई गो क्लोरीन, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, आई 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6, 2 4 1 7, अब क्या करेगा, ये कौन है, क्लोरीन है, ये कौन है, क्लोरीन है, ये है 2 8 7 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये भी कितना है, 2 8 7 है ना। ठीक बोला, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से इसको देगा, इस क्लोरीन को देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को देगा, तो जैसे 2 गो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन है बोला है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, आगे बाबू, आगे आगे आगे, स्पेस नहीं है जी। तो Mg है बाबू, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से क्या करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, कैसे यहाँ लिखेगा जी, ड्रा करो जल्दी से, ड्रा करो बाबू, ड्रा करो जल्दी से,
दो आठ दो है, आएगो इसका हो गया दो आठ सात हो गया पहला क्लोरीन, दो आठ सात हो गया दूसरा क्लोरीन, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गया एक गो करके, ठीक। तो ये क्या बनेगा, एम जी प्लस टू बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा प्लस टू बन जाएगा। नेक्स्ट बाबू, दो गो क्लोरीन एटम है जी, कितना है, दो गो क्लोरीन एटम है, तो क्या बन जाएगा, टू सी एल माइनस बन जाएगा, आइटम दो गो है, दो गो क्लोरीन है जी, तो दो गो लिखेगा ना, तो यहीं पे प्लस माइनस के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है ना, यही आपका क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। देखो बाकी सब करना है, बाकी सब करना आगे बाबू। ए शांत क्या कर रहा है जी, शांत सुतल है जी, बोलो कि शांत ऐसा बोले, ठीक। नहीं सर, नेक्स्ट बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड समझो, जल्दी करो जी, बाकी का करना, NaCl हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, CaCl2, MgCl2 को इसी तरह से ड्रा करना, नेक्स्ट बाबू। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इसमें सबका स्ट्रक्चर ड्रा करना, उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सब बताना है, जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट बाबू, अगला क्या है सर, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होगा बाबू, म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब बाबू आधा आधा काम आप करो आधा काम हम करेंगे, मिल के काम करेगा, तो अगर शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो देखो कंप्लीट चल गया, इसमें क्या होगा शेयर होगा, क्या होगा शेयर होगा, कैसे होगा सर सीखो कैसे होगा, है ना, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का क्या कहेंगे बाबू, वैसा केमिकल बॉन्ड बाबू जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होवे, शेयरिंग होवे, शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट करे, शेयर क्यों करेगा, आउटर सेल में आठ इलेक्ट्रॉन रखेला चाहेगा और हाइड्रोजन के केस में दो इलेक्ट्रॉन रखेला चाहेगा, है ना, हाइड्रोजन के केस में दो इलेक्ट्रॉन रखेला चाहेगा, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, ठीक। तो जिस इलेक्ट्रॉन बाबू है ना, जो वैसा बॉन्ड बाबू जहाँ पे शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे ना, इसी को समझना अच्छे से, है ना, इसी को अच्छे से समझना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो वही लिखा हुआ वो, एक एक का स्ट्रक्चर्स ड्रा करते चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला देखो, कोवेलेंट बॉन्ड क्या बाबू, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड वो विच इज फॉर्म बाय वो क्या, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिटवीन द आइटम्स, टू और मोर आइटम्स, दो या दो से ज्यादा आइटम के बीच में बाबू इलेक्ट्रॉन का क्या शेयर हो रहा, तो वैसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, वैसे बॉन्ड को क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सब जो भी आपको कंपाउंड दिखा है, O2 हो गया, HCl हो गया, CH4 हो गया, CO2, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, C2H4 हो गया, N2 हो गया, C2H2 हो गया, HCl, ये सब आगे यूज होगा, ये सब आगे क्या होगा, यूज होगा। तो यहाँ पे देखो मान लो O2 है ना, O2 है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन, हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड में क्या करें, आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन सब सिर्फ रिप्रेजेंट करें, है ना, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आठ आठ होता है ना, तो वैलेंस शेल में आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहोगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहोगे, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में क्या होगा, छह इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन के सबसे बाहर वाला सेल में, सबसे बाहर वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन सर, कैसे सर, अरे पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे वाला में छह, ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया, पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन है ना, दूसरे वाला में छह इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहीं पे ऑक्सीजन लिखा गया था, ये जो इलेक्ट्रॉन है सारा का सारा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है ना, क्यों क्यों सर, क्योंकि बाबू जो इलेक्ट्रॉन में भाग लेगा ना, तो जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करेगा, भाग लेगा, वही वाला भाग लेगा, इसीलिए यहाँ ऑक्सीजन के पास कई गो इलेक्ट्रॉन, छह गो इलेक्ट्रॉन, शांति से समझना, ऑक्सीजन के पास कई गो, छह इलेक्ट्रॉन, दो इधर और दो इधर, तो इसको कई गो घट रहा है, दो इलेक्ट्रॉन घट रहा है, ये हो ऑक्सीजन आइटम के पास छह गो, तो इसको भी दो गो घट रहा है, तो ये बेचारा ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे ये भाई दो गो इलेक्ट्रॉन हमारा दे दे, तो
ये जो दो गो इलेक्ट्रॉन है बाबू, इस ऑक्सीजन का जो दो गो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास जो दो गो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा, और ये अपना वाला ऑक्सीजन एटम है इसके पास जो दो गो इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा, है ना। मतलब कहेगा क्या बाबू, हम लोग दो दो इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, समझो, है ना। इसके पास वैलेंस शेल में 6 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो घट रहा, इसके पास भी 6 गो है, 2 गो घट रहा, तो दोनों एक दूसरे से क्या कहेगा कि दो दो गो घट रहे हो ना भाई बा, तो हाँ भाई बा, तो 2 गो तू हमर वाला ले ले, दो गो हमर वाला तू ले ले, है ना, ऐसे करते। तो दो दो बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। और जैसे दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाएगा तो ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होकर कई गो बन गया, 4 गो बन गया, तो 4 गो इधर से और 4 गो इधर से, तो हर एक ऑक्सीजन एटम का क्या हो गया, बॉन्ड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अगर कहीं बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म सीखना, इसमें बेसिक टर्म सीखना, है ना, टर्म सीखना, समझते चलना। तो जो इलेक्ट्रॉन बाबू बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा, है ना, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया ना सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यही ना बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहा, अब बाकी ये सब पौधा तो नहीं कुछ कर रहा, ये सब ऐसे ही रखा हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा उसको क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा उसको क्या कहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। समझते चलना, ये सब आगे यूज होगा, बार बार बोल रहे हैं, आगे सब बार सारा का सारा वर्ड यूज होगा कि जब कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे ना हम भी बाबू, इसे बुक की तरह अगर शुरू कर देते तो इसी उसी तरह कर देते तो समझ में नहीं आता, आपको लिंक करके समझते चलना, पीछे वाला टर्म याद करते चलो आगे वाला डेफिनेटली समझ में आ जाए। सारा ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर सारा का सारा स्ट्रक्चर से यूज होगा। अब पढ़ाने का तो बाबू है ये बाबू, है ना, बहुत सारा नहीं पढ़ाता तो नहीं पढ़ाता। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाबू है ना बॉन्ड बनाएगा उसको क्या नाम देंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बनाएगा उसको क्या कहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या कहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, समझते चलना। नेक्स्ट बाबू है ना, तो वही नीचे लिखल है ना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर लिखल है, जो बॉन्ड बनाएगा बॉन्ड पेयर, जो नहीं बनाएगा वो लोन पेयर होगा। पेयर कहने का मतलब, पेयर मतलब जोड़ा, एरम कई को जोड़ा, दो जोड़ा, एरम कई को जोड़ा, दो जोड़ा, एरम कई जोड़ा, दो जोड़ा, लोन पेयर कई को, तो लोन पेयर पूरे का कैलकुलेट करेंगे। इस ऑक्सीजन आइटम के पास कई गो पेयर, एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, दो पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेगा तो चार, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेगा तो दो से मल्टीप्लाई कर देना, तो एरम कई गो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो गो, एक पेयर ही है, एक पेयर है, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कई गो, दो पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेगा तो कई गो, 4 गो। ठीक, समझते चलना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेगा 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कई गो, तो एगो इसका, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कई पेयर, 4 पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहेगा तो 4 दुनी 8 गो, पेयर मतलब जोड़ा, है ना। तो यही लिखा हुआ है, आप शांति से समझना। तो ये जो इलेक्ट्रॉनमा है बाबू शेयर होता है, तो इसमें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डंटा से, यहाँ शेयर हो रहा है ना, शांति से समझना, शांति से समझते चलना। ये दोनों इलेक्ट्रॉनमा है ना, तो ये दोनों मिलकर एक डंटी बनाएगा, ये एगो डंटी बना दिया, नीचे वाला ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक डंटी बनाएगा, ये डंटी बना दिया, तो ये जो डंटिया बना रहा है ना इसी को क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये जो डंटिया है ना, डंटवा है ना, है ना, यही जो डंटा है इसी को क्या कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो और कुछ नहीं होता ना, और कुछ नहीं होता ना। अब आगे सुनना, तो कोवैलेंट बॉन्ड बाबू कितना टाइप का होगा, 3 टाइप का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इसमें देखो 2 गो ना कोवैलेंट बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें 3 गो डंटी रहेगा उसको कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और जिसमें 4 गो डंटी रहेगा, 4 गो एक एक जगह नहीं रहेगा, 4 गो एक जगह, 3 गो बॉन्ड होगा, या तो एक एक गो डंटी रहेगा, चाहे 2 गो रहेगा, चाहे 3 गो रहेगा, एक आइटम के साथ, है ना, एक आइटम के साथ, है ना, एक इधर रहेगा, आगे बता रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, क्या हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक, आगे सीखते चलना। अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड में बाबू इसमें एगो सिग्मा बॉन्ड होता है, एगो पाई बॉन्ड होता है ना, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में एगो सिग्मा होता है, एगो पाई होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 गो पाई एगो सिग्मा होता है ना। तो ये आगे क्या बाबू, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो लिखाने का होगा तो लिखा देंगे, नहीं तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना टाइप का, 2 टाइप का, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें एक के डंटी बनेगा उसको सिंगल कहेंगे, जिसमें 2 गो डंटी बनेगा उसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, और जिसमें 3 गो डंटी बनेगा, जैसे N2 वाला केस में, N2 वाला केस में N2 का जब बॉन्ड को बनाओगे, आगे बनाएंगे सारे का बनाएंगे, तो N2 का बनाओगे बाबू तो इधर एन एन हो गया, इधर नाइट्रोजन का क्या हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 1 गो 2 गो 3 गो, यहाँ पे क्या बनेगा, 3 गो बनेगा,
इसको क्या कहेंगे, तीन गो डंटी बन रहा था, इसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बाबू तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, है ना। ठीक, ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसे चार बॉन्ड बन जाएगा, नहीं बनता उसे चार गो, है ना, नहीं बनेगा, है ना। दूसरे आइटम के साथ चार गो बना सकता है ना, जैसे यहाँ एक दूसरा आइटम आएगा, दूसरा आइटम आएगा, दूसरा आइटम आएगा, है ना। तो एक डंटी बनेगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो गो डंटी बनेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन गो डंटी बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ठीक, नेक्स्ट। अब इसमें बाबू सारे का स्ट्रक्चर ड्रा करो, और सारे में क्या करो बाबू, कहे ना नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स ना, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सिंगल होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इतना लिखते चलना, इतना लिखते चलना सारे का, है ना। ठीक, इतना लिखते चलना, इतना लिख लिया तो हमारा 20% कम से कम खत्म हो गया कार्बन कंपाउंड, है ना, कार्बन कंपाउंड 20% खत्म हो गया। उसके बाद नोमेनक्लेचर वगैरह बताएंगे, इतना अगर सीख जाते हो तो नोमेनक्लेचर आसान, है ना, उससे आसान कुछ है ये नहीं। और उसके बाद आपका जो भी बुक वाला है ना, डायमंड, ग्रेफाइट, उल्लू जुल्लू, वो सभी बता देंगे, एक्चुअल कंसेप्ट इधर ही है। फिर उसके बाद साबुन वगैरह के बारे में, है ना, सारा चीज बताएंगे, छोड़ेंगे कुछ ना। ठीक, तो ये क्या हो गया बाबू, इसमें बाबू O2 में बाबू, अब यहाँ पे बाबू इसके नीचे, है ना, इशारा बता दिया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट सर बॉन्ड, वहां पे ट्रिपल प्लस कोवेलेंट बॉन्ड। होगा, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसमें प्लस कोवेलेंट यहाँ बॉन्ड पे में सर प्लस, O2 में से दो बनाए और बीच में प्लस थी। अरे ई ऑक्सीजन ई जुटेगा ना बाबू, एक ऑक्सीजन आइटम, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैसे, ऑक्सीजन आप प्लस ऑक्सीजन, है ना, तो ये एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, दोनों आपस में जुटेगा, ये और दोनों HCl आपस में में जुट जुटेगा, है, सब HCl में आ रहे हैं, सब 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 आ रहे हैं, ठीक है ना, सारे तैयार हैं। ठीक, इतना हो गया, है ना बाबू। तो अब बाबू नीचे क्या लिखना, इसमें बाबू जैसे O2 है ना, तो ड्रा करना उसका लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बाबू, नंबर ऑफ कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवेलेंट डबल, और फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, इतना सारा कॉन्सेप्ट लिखना, है ना। तो देखो O2 का बाबू, है ना, O2 का बोला तो आपको कैसे करोगे, O2 के एक दो ऑक्सीजन आइटम है, शांति समझना, तो अब हमको बॉन्ड बनाना है, यही चीज बाबू, दो गो बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कई गो इलेक्ट्रॉन, 6 गो, यही चीज बा है, दो दो चार दो छो, दूसरा ऑक्सीजन है बाबू, है ना, दो दो चार और ये दो छो, ये दोनों मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, यही चीज है, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो क्या बनेगा, ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, तो ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन मर रहा गया ना, हाँ सर ऊपर वाला तो रह गया, और ये रह गया नीचे वाला, दो गो इलेक्ट्रॉन तो रह गया, है ना। ठीक, तो बाबू इसमें कहेगा बाबू, है ना, कि कौन सा बॉन्ड है बाबू, O2 में कौन सा बॉन्ड हो गया, लिखे ये हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ठीक, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में बाबू याद रखना, एगो सिग्मा एगो पाई बॉन्ड होता है, ऊपर वाला एगो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में बाबू वन सिग्मा बॉन्ड होता है, वन सिग्मा टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, वन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा को ऐसे इंडिकेट करते हैं इस तरह से, वन सिग्मा बॉन्ड होगा और क्या होगा, वन पाई बॉन्ड होगा, वन पाई बॉन्ड होगा, इसको ध्यान रखना। ये होता बनता कैसे सर, ये ओवरलैप करके बनता, साइड बाई जो ओवरलैपिंग होता है ना, वहां से सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। उसके लिए बाबू आपको ऑर्बिटल पढ़ना पड़ेगा, SP DF ऑर्बिटल्स, फिर उसके लिए हमको 1 महीना टाइम चाहिए। आप सिंपल से याद रखो बाबू, कहीं भी अगर डबल बॉन्ड बन रहा तो ऊपर वाला एगो बॉन्ड सिग्मा होता है, नीचे वाला बॉन्ड क्या होता है पाई होता है, नीचे वाला बॉन्ड क्या होता है पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो दो गो पाई एगो सिग्मा, आगे बताएंगे सारे का एलिमेंट, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कई होता है, कई गो भाव, दो पेयर हुआ, दो पेयर हो गया जी, बराबर कितना, चार इलेक्ट्रॉन, दो पेयर में कई इलेक्ट्रॉन, चार गो। ठीक, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बी सिग्मा पेयर, का सिंबल दिए सर, क्या बोला, सिग्मा का सिंबल। सिग्मा ऐसे है, ऐसे कैसे आप लोग बाबू, है ना, इस तरह से, आप पाई तो जानबे करता है,
ये बॉन्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता है ना एक लीनियर, तो उसको सिग्मा कहेंगे, और साइड वाइज ओवरलैप होता है। अब साइड वाइज कैसे ओवरलैप होगा, तो उसके लिए एस पी डी एफ और वाइटल पढ़ना पड़ेगा, है ना, एस पी डी एफ और वाइटल, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए। आपको केमिकल बॉन्डिंग में वो हम लोग खुद 3 4 महीना पढ़े हैं, पूरे एकदम एकदम डीप में जाकर पढ़े हैं ना, तो उतना रिपल पढ़ाने वाले में नहीं टाइम। कितना पाई कितना सिग्मा होता? में बता रहे हैं, बता, सब आएगा बाबू, सब आएगा, सब आएगा। नंबर ऑफ बीपी बाबू, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू, कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 गो हो गया, तो 4 पेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पेयर्स कहो, 4 पेयर कहो या 8 इलेक्ट्रॉन कहो, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन की कहानी हो गया, कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है ना। सिंगल बॉन्ड में एगो सिर्फ सिग्मा ही रहेगा, ठीक। आगे बढ़ो, जैसे HCl लो, सारे का इसी तरह करते चलना। लिखो इसको जल्दी से, दो तीन को बताते हैं, दो तीन को बताते हैं, बाकी खुद करना, जल्दी लिखो जी। जैसे HCl है सर, तो सारे का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, स्कूल वाला पढ़ाई पढ़ाएंगे बाबू, नहीं समझ में आएगा भोला, हम लोग पढ़ाते तो देखते हैं नहीं है जी, सीधे आपको बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, इसे बताते भी नहीं, डायरेक्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, आगे जाके बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, करने से करने बॉन्ड आता है नहीं आता है। नेक्स्ट बाबू, ठीक, आगे बाबू, अगला कौन है, HCl है, फिर CH4 है, CO2, CH2, CH3, N2, ई सब, ई सब, सारे का बनाना, सारे का बनाना, सारे का बनाते चलना। दूसरा नंबर कौन सा बाबू, HCl है, दूसरा नंबर कौन सा, HCl, HCl का ड्रा करो, ठीक। दूसरा बाबू HCl, तो देखो HCl में हाइड्रोजन है बाबू, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन सर, एगो इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना होता है जी। क्लोरीन के पास कितना, वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन लिखना, सिर्फ वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन लिखना, क्लोरीन के पास कितना, 7 इलेक्ट्रॉन सर, क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 70 रहता है, 2 8 7 करेगा ना, तो वैलेंस बाहर सबसे आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन लिखना, 7 गो, 1 इलेक्ट्रॉन, दो, आ यहाँ से 2 6, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट वाला है, ऐसी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये क्लोरीन एटम हो गया, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या करेगा, शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन के केस में देखो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन मेरा क्या कंप्लीट करेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, बाकी हाइड्रोजन ही लिया, बाकी सब एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो ऑक्सीजन, क्लोरीन का 8वां इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया ना, तो यहाँ पे कैसे बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन हो गया, बीच ही दोनों को बॉन्ड को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे एक गो डंटी है ना, एक गो डंटी है, तो ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक गो, तो ये कौन हो गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बच गया ये क्या होगा, एलपी हो जाएगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये बीपी हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कहेगा हाइड्रोजन के पास बॉन्ड पेयर कुछ नहीं, लोन बॉन्ड पेयर एक पेयर, एक पेयर, ये दोनों का एक एगो ना, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एगो, क्लोरीन के पास लोन पेयर इतना, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर 0, हाइड्रोजन के पास एक कितना लोन पेयर 0 है ना, तो क्या क्या लिखेगा बाबू, कौन सा बॉन्ड है बाबू, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, एक के गो बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, वन सी एगो रहता तो उसमें सिर्फ एक के गो सिग्मा होता, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 2 गो पाई एगो सिग्मा जाएगा, ये 1 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होता है ना, ये ध्यान देना, आपको 1 मार्क्स में आएगा, सिंगल बॉन्ड में कई गो सिग्मा है ना बाबू, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा एगो पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 गो पाई एगो सिग्मा है ना, ऊपर नीचे पाई बीच वाला सिग्मा। नेक्स्ट बोला, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया बाबू, बीपी, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एगो होगा, एक पेयर होगा बाबू,
वन पेयर, ठीक, लोन पेयर। तो लोन पेयर अगर इंडिविजुअल लिखोगे तो लोन पेयर ऑफ क्लोरीन सी एल कितना हो जाएगा, तीन पेयर हो जाएगा, क्लोरीन के पास तीन पेयर, लोन पेयर किसका ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर क्या जीरो, कुछ हो नहीं है जी, तो जीरो हो गया है ना, इतना ही है बाबू। लिखो जी अगला बाबू। तो इस तरह से सारा करना है, लिखना है, सारे करते चलना है, लिखते चलना है। जल्दी लिखो धर्मवीर। ए गुड सौम्या, समझ में मॉर्निंग आता है जी? सौम्या जल्दी सर। जल्दी 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 करो। आज जिसका जिसका नाइक कल रहेगा बाबू, मंडे को पढ़ोगे ना जी? यस आई सो, मैं मंडे को पढ़ोगे ना बाबू, शाम के ना जनवरी मनाओगे जी? सुबह सर, कौन यस जनवरी सर। मनाता? हाँ बाबू पढ़ लेना मंडे को सुबह में, शाम में हम लोग जनवरा जनवरी मनाई, तेरे मेरा क्या लाइफ है बाबू, हमको तो कहीं ना कहीं जाना ही है। संडे मंडे को चल जाएंगे पटना, पटना वाला बच्चा छूट गया उसको कूट देंगे जाकर थोड़ा सा। मेरा लाइफ में कोई नहीं है जी, आप लोग के सिवा कोई नहीं। जल्दी लिखो। दूसरा क्या था, मिथेन। अगला नंबर कौन सा, ये हो गया मिथेन है भोला, कौन है बाबू सुब? एग्जाम्पल अभी लिखा ना जी? मीथेन सर। हाँ मिथेन का सीखो, देखो मिथेन का कैसे करोगे। शैतान सैटरडे शनिचर मंगलवार में लगा हुआ है। देखो मिथेन का बाबू बता देते जल्दी से, 1 मिनट का चीज है। मिथेन है सर तीसरा नंबर, कौन है? मिथेन है, आगे यूज होगा, तीसरा नंबर बाबू मिथेन है, CH4 होता है। मिथेन का क्या है? CH4 है। तो कार्बन है बाबू है ना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना सर? 6। 6 में आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कै गो है? अरे इसमें बाबू कार्बन है अब प्लस क्या है, 4 गो हाइड्रोजन है। CH4 मतलब क्या हो गया, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। तो 4 गो हाइड्रोजन करने करने लिखेगा, शांति से समझो। तो 4 गो हाइड्रोजन कैसे अरेंज करेगा, तो 1 गो हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, इस तरह से अरेंज करना है ना। CH4 है तो कार्बन 1 गो, हाइड्रोजन 4 गो है, तो चारों हाइड्रोजन इन्हीं लिख दोगे, 4 गो इलेक्ट्रॉन। यहाँ 1 गो इससे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इससे करेगा, इससे करेगा और यहाँ इससे करेगा, बस समझ में आता है? तो देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, कैसे सर? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, कार्बन का 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता, तो इस हाइड्रोजन का 4 एटम, हाइड्रोजन का एटम है 4 गो, तो इस हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, 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 ठीक। तो यही जो आगे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे वो डंटी बन जाएगा, यहाँ पे वो डंटी बन जाएगा जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिला के, यहाँ 2 गो डंटी, 1 गो डंटी बन जाएगा, यहाँ 1 गो डंटी बन जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 1 गो डंटा, 2 इलेक्ट्रॉन से कई डंटा, 1 डंटा। तो बीचे में कार्बन हो गया, एगो ऊपर हाइड्रोजन हो गया, नीचे हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन हो गया, ठीक। कई कई डंटा, एक एक डंटा, हर एक कार्बन के बीच हाइड्रोजन के बीच एक एक डंटा, ये एक एक डंटा। तो यही आपका क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, मिथेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मिथेन कहते हैं। CH4 को क्या आगे नाम बताएंगे, नाम बताएंगे, इसको क्या कहते हैं, मिथेन कहते हैं है ना, मिथेन इथेन है ना, मिथेन कहते हैं। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कै गो, तो एक बॉन्ड पेयर, 2 गो, 3 गो, 4 गो, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है। और यहाँ पे हर एक कार्बन हाइड्रोजन आइटम के बीच, देखिए ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक एक गो बॉन्ड है ना, तो एक एक गो बॉन्ड जहां भी रहेगा वो हमेशा सिग्मा होगा, एक गो बॉन्ड जब भी रहेगा, एक गो कहीं बॉन्ड रहेगा, एक दो आइटम के बीच में अगर एक एक गो बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा होगा, और दो आइटम के बीच में अगर 2 गो बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाई होगा, अगर 3 गो है तो 2 गो पाई एगो सिग्मा होगा। तो इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक एक गो बॉन्ड है तो ये हमेशा सिग्मा होगा, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक एक गो तो हमेशा, तो इसमें चारों का चारों क्या होगा, सिग्मा होगा, चारों का चारों क्या होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा ना, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो देखो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बीपी बाबू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ऑफ CH4 मिथेन, जिसको हम लोग कहते हैं CH4 को आगे नाम बताएंगे, मिथेन कहते हैं, क्यों कहते हैं बताएंगे सर, अभी इसको याद रखो, मिथेन। समझ में आ रहा है लव जी? हेलो बाबू, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई लव, समझ में आता है जी? लव यस ऐसे था ना, आपको थोड़ी पूछ रहे हैं जी, कहाँ गया जी? हेलो बाबू, लोन पेयर बाबू, कुछ हो नहीं है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं ना बचा है। नंबर ऑफ लोन पेयर बाबू कितना हो गया? 0 हो गया ना, हाइड्रोजन के पास है ना कार्बन के पास है ना। 4 गो बाबू, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 गो, नंबर ऑफ बाबू कौन सा बॉन्ड है? सारे का सारे सिंगल है, सिंगल है ना बाबू, तो ये कौन सा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सारा का सारा सिंगल है, कहीं भी डबल नहीं ना बाबू। अरे डबल बाबू, एक दो गो आइटम में रहेगा ना दो बॉन्ड, तब उसको डबल कहेंगे। ऐसे आप लोग ऐसे नहीं सोच रहे, यहाँ 4 गो बॉन्ड है, 4 गो यहाँ बॉन्ड है, लेकिन चारों आइटम के पास है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम के पास है, इसको कह सकते हैं ना बाबू। ये एक हाइड्रोजन हो गई, दूसरा तीसरा, एक दो गो आइटम के बीच में रहेगा ना 4-3 गो बॉन्ड, तक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, दो गो रहेगा तो डबल। यहाँ भी बाबू दो गो आइटम, कोई भी दो गो आइटम लोगे तो एक गो ना बॉन्ड है, तो सारे में क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सारे में क्या है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सारे में क्या है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, सारे का सारा का सिंगल कोवेलेंट होता है। टोटल कई गो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है? टोटल काउंट करोगे पूरा में CH4 में तो 4 गो है, CH4 पूरा में टोटल करोगे 4 गो हो गया, तो ये 4 क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, चारों का चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया है ना। नंबर ऑफ हो गया, चलो हो गया, चलो रहने दो, लिखो जी अगला, यही सब बाकी ऐसे कर कर करना जी, जो नहीं बनेगा बताएंगे। ईसा बाबू बना के भेजना बाबू, चेक करेंगे ईसा, जो आयनिक बॉन्ड वाला खोजे छोड़े थे बाबू, बना के भेजना ईसा, ठीक है बाबू।